गोलपिन श्री सोस्तिसर उपमा योग उपमा योग पत्र लिखा सात समुंदर गंडक पार सिंगल दीप से जहाँ का राजा श्री नाग सिंह है श्री नाग सिंह का दो पुत्र है बड़े पुत्र का नाम जोगा छोटे का गणपत सिंह है। एक बड़ी सुंदरी बेटी है जिसे नाम पद्मिनी लेखा है सवा लाख का टीका लिखकर भेजा जा रहा है जो कोई टीका लेगा जो दोनों बेटा जोगा और गणपत से भयंकर महा संग्राम होगा। दोनों बेटा गणपत और जोगा से घमासान लड़ाई होगा। जो कोई लड़ाई में जीत लेगा वही रानी लेखा से ब्याह का चाह करेगा। जाओ लेकर जाओ। सुनो बेटे, पिताजी दिल्ली जाना। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान है। अच्छा, उसके बाद तुम कहाँ सो जाना। अच्छा, जहाँ का राजा गजराज सिंह है, उसका बेटा लोहा सिंह है। उसके बाद तुम चले जाना बिरियागढ़, जूनागढ़, तमाम किलाओं में जाना और जाकर कोई ना कोई राजा अवश्य तेरे टीका को प्रकट टीका स्वीकार करेंगे। ठीक है पिताजी। जाओ बेटे। मैं कांसो का रहने वाला, मेरा नाम लोहा सिंह है। ठीक है, मैं बैठ कर विश्राम करता हूँ। महल में है। हाँ, कौन आदमी है? राज है। एक कौसो है। क्या कौसो राज है? एक राजन के क्या नाम है? लोहा सिंह। हाँ, द्वारे पर है। हाँ, बंगले पर है। चलो ठीक है, चलो चल के मिला देता हूँ। मालिक जी, क्या बात है बहादुर? जोगो अतिथि आए हैं, महाराज अपने से मिलने के लिए चाह रहे हैं। उन्हें बुलाकर अंदर लेकर आओ। ठीक है, चलिए महाराज राजा साहब को मिलिए। चलिए। प्रणाम करते। खुशी रहो। सुनो राजन। क्या राजन? सुनाला आज दिलवा के हमारा बात। अच्छा, आज कवन नगरिया में राजन आबो तन लगैया। अच्छा, आब किया जमाना मामा। अच्छा, हर पी तक कहाय आब भेदवा बता दात। बताइए, क्या आप दोनों भाई इस किला को रहने वाले हैं? क्या आपका पिताजी का नाम है? क्या आप लोगों का तन का नाम है? क्या मेरे घर पर सात समुंदर, मेरे पिताजी के नाम श्री नाग सिंह, मेरे नाम धनपत, मेरे भैया जी के नाम जोगा। क्या सात समुंदर गंधक पार? लेकिन ये बताओ, क्या बात है, किस कारण हमारे लोहा सिंह के पास हमें आए हो? बात क्या है? आई ले के
खेला टीका वाले लिए ए टीका ले चढ़ावे क्या तुम टीका लेकर ये हमारे कांसो राज के यहाँ आया हो? हाँ ठीक है, टीका दिखाओ। बहादुर ए टीका पढ़ो रे, टीका में क्या लिखा हुआ है? मालिक जी बोलो। बहादुर एक टीका में लिखा हुआ है सरकार, सात समुंदर गंडक पार ठहर है सरकार सिंगल दीप, राजा को नाम नाग सिंह, उनका दो पुत्र है सरकार। अच्छा। एक का नाम योगा है, एक का गणपत है। ओ बहुत युद्ध करने में बहुत तेगा चलाते हैं, जग जाहिर है महाराज। अच्छा बोल ले जाओ। जो टीका रखेगा तो उनको बेटा जोगा और गणपत से घमासान लड़ाई करने पर, घमासान लड़ाई करना पड़ेगा। हाँ सरकार, और उससे भी जीत जाएगा तो उनके पिता नाग सिंह से भी युद्ध करने पड़ेगा। राजा ही फौरन लड़ाई करेगा। हाँ उनका बात है। एक उनका एक पुत्री है लेखा सरकार, उन्हीं के शादी के अवसर पर यह टीका आया है सरकार। अपना हिम्मत देखिए, रखिएगा टीका कि न रखिएगा। बहादुर जी एक टीका हमें स्वीकार है। स्वीकार है ना? हाँ तो डेट दे दिया जाए। राजन सुनो। क्या? एक टीका तो अपने बहन लेखा के लिए लेकर आई हो। हाँ। तो मैं तुम्हारा टीका को स्वीकार करता हूँ। आज छठवें दिन मैं तुम्हारे के यहाँ बराती आऊंगा, जाओ। ठीक है। बहादुर ए श्री नाग सिंह ए अपने पुत्री लेखा के लिए ए टीका पहुंचाया है, दोनों हाँ। बालक लेकर आया था। हाँ महाराज। इस समय टीका हम लोग स्वीकार कर लिए हैं। हाँ महाराज। राज सिरसा भेजना चाहिए। ठीक है महाराज। ठीक है टीका लेकर राज सिरसा जाओ। साड़ी के सहारे स्वामी जी, साड़ी के सहारे स्वामी जी, आज निकल जा तू अखंडर से जीना, साड़ी के सहारे ना ए स्वामी जी निकल जा तू खंड। साड़ी के सहारे ए स्वामी जी निकल जा तू खंड रसे जी, साड़ी के सहारे से ना तू खंडा रखे जी। स्वामी जी रानी आप साड़ी के सहारे से ऊपर आ जाइए। स्वामी जी रानी नहीं रानी सुनो, हाँ आओ छतारी
धर्म वाले रानिया जी आओ ना साता होई जी जाई तई किरनिया छतरी धरा मवरानी जी अनासद होई जा छतरी धरम वाले नष्ट हो तैले रानिया क्या स्वामी जी नष्ट हो तैले रानिया स्वामी जी समय हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा रानी स्वामी जी तो मैं क्या करूं स्वामी जी आप ऊपर आ जाइए ना ओ कड़वा आल पानी रानी आज नगर ले मुहावा के ओ कड़वा ले पानी रानी आज नगर ले मुहावा के स्वामी जी कड़ुआ ले बतिया रानिया रानी जी ऐसा हाल नहीं जाए कड़वल पानी ना कड़वा पानी है नगर मोहबा का कड़वा बात सहा नहीं जाए रानी तुम कह रही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ हाँ स्वामी जी लेकिन रानी मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ जो गौर से तुम ध्यान लाकर सुनो रानी ठीक है स्वामी जी बताइए हाँ ओ खबरा जगादा रानी ओ राजा जिगिरी से आज खबरा आज जगा दे रानी आज राजा जिगिरी में आज जाई के खबरिया आज कर द चाचा के हमार आज इतने अरजी आज तुम जाकर राज कनवज में हमारे चचा श्री को खबर जगा दो रानी ठीक है राजा मैं मेरा सिंगलदीप से बोल रही हूँ राज पिताजी का नाम श्री नाग सिंह और मेरा
नाम रेखा और मैं एक पत्र लिख रहा हूँ जिसमें इंदल मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे पिताजी ने उसे कैद कर लिए हैं। इसे मैं किसी को मैं भेजा रहा हूँ ये पत्र। आप आके मुझे सिंगलदीप से आप मुझे डोला में लेके आप अपने राज में ले जाके मुझे दुल्हन बना के ले जाइए। सलाम सरकार, सलाम सरकार। खुश रहो, लगता है कि कहीं के धावल आया है मेरे पास राज सिरसा में। हाँ महाराज, कुछ बात मैं करता हूँ। सुनो धावल। धावल सुना लो दिलवा के हमर बाती। क्या महाराज? अब कहा तोरा घरवा धावल, अब पड़ेला तोहरा के। अब कहा तो अरे घरवा धावल, अब पड़ेला तोहरा के। कियल करनवा अइला राजसी रसमयात। अरे हाल सुनावा ना। तुम्हारा घर पता है? किस कारण राज सिरसा में आया है? तू किस कौन राजा के धावल है? कल सुनाओ। मालिक जी, हमारे मकान राज कौसों में पड़ता है महाराज। मैं राजा लोहा सिंह को मैं धावन हूँ महाराज। क्या कौसों नगर के तुम धावल हो? हाँ महाराज। अच्छा, तो कौसों नगर में मेरा ससुराल पड़ता है, लोहा सिंह मेरा साला है। तो कहो, सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, किस कारण ये राज सिरसा में आए हो, जो सुनाओ। मालिक जी, क्या? बहुत खुशी के बात हो। क्या खुशी के बात है? हम हरा सुनाओ, खुशी के कौन खुशी के बात है जी? सरकार, मैं निमंत्रण लेकर के आया हूँ महाराज। न्योता हो क्या? न्योता। क्या न्योता है जी? उनका शादी बड़ी दूर तय हो लोहा। क्या दूर तय हुआ? आगे मैया सात समुंदर गंडक पर सिंगल दीप। सिंगल दीप गढ़ सिंगल दीप में? हाँ महाराज, राजा नाग सिंह के पुत्री से सरकार बराती चले के हो एगो देश देख ले। गढ़ सिंगल दीप नगर में? हाँ महाराज। ए बरात जाना है? हाँ महाराज, वही न्योता देवे लिया है। ए मेरा लोहा सिंह साला दिया है निमंत्रण। हाँ, हाँ, सोला लगा है खून। तब क्या तेरा के था हम हो कर ये वे कर बग जरी मन। सोना धावल धावल सुना लो दिलवा के हमर बात। साज के बरतिया जाई भाई गढ़ सिंगल दीप नगरिया। गढ़ सिंगल दीप नगरिया। लोहा सिंह साला के सदिया दे देब कराई। अरे साजा के बरतिया ले ले गई बैले आगे।
सिंह साला को कह देना कि तुम्हारा जीजा आवेंगे बिरमल खान जी सज धज के चढ़ करके और सिंगल गढ़ सिंगल दीप नगर में अवश्य के मैं बरात जाऊंगा। मालिक जी सब काम हमरे करे पर तो हमरा छुट्टी दे यार। सुनो छुट्टी देंगे पहले नाश्ता पानी कर लो तो छुट्टी दे देंगे। नाश्ता ना करवो खाना ना खा लो। अगर मैं अभी खाइले हम फेकार रह लियो है अब कैसे। सुनो तुम नहीं खाना खा कर जाएगा तो मेरा ससुरार के बात है मेरा कितना बारी नमस्सी होगा। नमस्सी कुछ होते अपने सब सीनिया के शिकायत करवाए। नहीं ना ना तो ठीक है जाओ बहादुर मैं अवश्य मैं पहुँचेगा। आई हाँ ठीक है अपने लो सकर के अनुसार के रख ले रहो। ठीक ठीक जाओ। अरे गाड़ी भाड़ा है ना। हाँ महाराज ठीक है जाओ। अरे सरदार जी क्या ची के पत्रिका लेके आया है कबूतर वो पढ़ के सुनिए। हाँ इरुदल सरदार जी ये पंछी जाति को कबूतर है जो कुछ संदेश लेकर आया है आज हमारे इस कनबजराज तीरी में। इसमें लिखा है कि राज मोहबे वाले आल्हा सरदार का बेटा इंदल आज समंदर गंधक पार गढ़ सिंह सिंगल द्वीप में कैद है और उस राजा का नाम है श्री नाग सिंह। श्री नाग सिंह के बेटा इंदल को कैद करके रखा है सरदार जी। भाई रुदल क्या हमारे बेटा इंदल के श्री नाग सिंह को कैद करके रखा है। हाँ और उसने लिखा है कि आकर हमें यहाँ से छुड़ा कर लेके चलिए और रानी कुडोला भी लेकर आना है अपने राज में। तो भाई रुदल ऐसे में क्या करना चाहिए। सुनिए सरदार जी। बोलो भाई रुदल। आज फौजा वाले साजी भैया जी आवादे हुआ झूमे। भाई रुदल आज फौजा वाले साथ दया झूमे आरी हम जावा चल भैया जी सिंगल दीप के रात आज अझुती न चल भैया जी सिंगल दीप के रात आज फौजवा जे सजा देहू अझुती सरदार जी। भाई रुदल आज मैंने सात समुंदर गंधक पार सिंगल दीप मैं बेटा इंदल कैद में पड़ा हुआ है बेटा इंदल को कैसे छुड़ाना है सरदार जी इस समय फौज जल्दीबाजी से सजवाइए। भाई रुदल सुनो। हेलो आज कितना समय झैला हलन रुदली बेटा के इंदल के चाचा ने। सरदार जी
आज कितना सा आ मझावल हन रूदल अब बेटा इंदल के लेकिन कहू न बतियाल रूदल ए भाई मानल नहीं जीत आज कितना समझला आज आज कितना समझला हर बेटा इंदल के आज ये कहू न बतियाल मानल हमार आज ये कहू न बतियाल मानल हमार आज कितना समझला सरदार जी बेटा इंदल को कितना समझाया था लेकिन बेटा इंदल बात को समझा नहीं और चचा जी भी हमें राज बनारस वाले कितना समझाए थे लेकिन बेटा इंदल एक बात को माना नहीं लेकिन आज जाकर गढ़ सिंगल दीप में कैद हो गया है लेकिन हम लोग भाई रदल हाँ बकैदा वाले करके रख ली हल बेटा आज अपनो इंदल के आज कैसे जाब छोड़ाई भागल आई गाढ़ा सिंगल दीपव के लड़ाई आज पौआ में बेड़ियत देलल भाई रुदल सरदार जी आज हाथ हाथ करिया एक पौआ में बेरियत देली हल जी चलो आज हाथ हाथ करिया आज कैसे जब भाग लेता बेटा इंदल अब भाई तो सुनल रुदल हमार क्या समझी आज हाथ हाथ करी हाथ देल हल इंदल के आज हाथ हाथ करी हाथ देल इंदल के आज पौआ में बेरियाल देली हल चढ़ाई आज पौआ में बेरियाल देली हल चढ़ाई आज कैसे जब गईले भाई रुदल सरदार जी बेटा इंदल को हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी डालकर रखे थे फिर बेटा इंदल एक ऐसे गढ़ सिंगल दीप में चला गया ये हम लोग को समझ में नहीं आता ओ तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है सरदार जी ओ उसको ज्ञान कहाँ जब ज्ञान रहता तो सिंगल दीप में नहीं जाता लेकिन हाँ। सरदार जी क्या अब मुझे सहा नहीं जा रहा है जब बेटा इंदल कैद में पड़ गया है तो उसको छोड़ाना हम लोग के धर्म होता है ये बात तो सत कहते भाई रुदल लेकिन भाई रुदल आप कठिन लड़ैया ले रुदल भाई अब गढ़ सिंगल दीपावा में रहलो क्या सरदार जी आज कैसे जावा जीतावा तो रुदल भाई आप जदुआ के जी लड़ाई
सरदार जी। आज के लड़ैया रहते हले आज कल सिंगल दीपर के जीरो भाई रुदल, जानते हो गढ़ सिंगल दीप में कठिन लड़ाई है जादू का। तेगा तलवार की लड़ाई होता तो हम लोग चलकर वहां तेगा लड़ाई लड़कर बेटा इंदल को कैसे छुड़ा लेते हैं। हाँ सरदार जी, क्या बहादुर। मैं भी मानता हूँ कि सरदार जी तेगा के जब लड़ाई हो रहता लड़न भिड़न के रुदल जन्मा कीला टोरन के बिरमल खान बेटा है सहियत के कि जिनकर घर में दिन लाख था। सरदार जी। हाँ भाई रिदल, सुनिए सरदार जी। बोलो भाई रिदल, क्या कहना चाहते हो। हाँ बकायदा वाले करके रख ली हल बेटा आज अपनो इंदल के आज कैसे जाब छोड़ाई भागल आई गाढ़ा सिंगल दीपवा के लड़ाई आज पौवा में बेड़ियत दे लाल भाई रुदल सरदार जी आज हाथ हाथ करिया एक पौवा में बेरियत दे ली हल जी चढ़ोई आज हाथ हाथ करिया एक पौवा में बेरियत दे ली हल जी चढ़ोई भाई रुदल। सरदार जी, बेटा इंदल को हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी डालकर रखे थे फिर बेटा इंदल एक ऐसे गढ़ सिंगल दीप में चला गया, ये हम लोग को समझ में नहीं आता। ओ तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है सरदार जी। ओ उसको ज्ञान कहाँ, जब ज्ञान रहता तो सिंगल दीप में नहीं जाता। लेकिन हाँ। सरदार जी क्या अब मुझे सहा नहीं जा रहा है, जब बेटा इंदल कैद में पड़ गया है तो उसको छोड़ाना हम लोग के धर्म होता है। ये बात तो सत कहते भाई रुदल, लेकिन भाई रुदल आप कठिन लड़ैया ले रुदल भाई अब गढ़ा सिंगल दीपावा में रहलो। क्या सरदार जी, आज कैसे जावा जीतवा तरुदल भाई आप जदुआ के जी लड़ाई आज कठिन लड़ाई तरुदली आज सिंगल दीपावा के ले रोज भाई रुदल सरदार जी आज
के लड़ैया रहते हले आज कल सिंगल दीपक के जीरो भाई रुदल, जानते हो गढ़ सिंगल दीप में कठिन लड़ाई है जादू का। तेगा तलवार की लड़ाई होता तो हम लोग चलकर वहां तेगा लड़ाई लड़कर बेटा इंदल को कैसे छुड़ा लेते हैं। हाँ सरदार जी, क्या बहादुर। मैं भी मानता हूँ कि सरदार जी तेगा के जब लड़ाई हो रहता लड़न भिड़न के रुदल जन्मा किला टोरन के बिरमल खान बेटा है सहियत के कि जिनकर घर में दिन लागत रहा। सरदार जी। हाँ भाई रुदल, सुनिए सरदार जी। बोलो भाई रुदल, क्या कहना चाहते हो। आब कोई ले उपाया भैया जी आज का राजा झूमे आज भैया सुनला आज दिलवा के बात आज कोई ले उपाया भैया जी आज का राजा झूमे आज कैसे जब बेटा के कई दवा में भैया रहते जी हम सरदार जी आज कैसे बेटा इंदल कई दवा भैया रहते जी हम आज कोई तो उपाया जी कराया ढूंढ सरदार जी। भाई रुदल, इसमें कोई उपाय कीजिए क्योंकि बेटा को कैद में सुनकर ये मुझे सह नहीं रहा है। ठीक कहते हो भाई रुदल, ऐसे विलंब नहीं करना है। चलो बहादुर, ऐसे में राजभवे से बरात भी और फौज भी लेकर चलना है और बेटा इंदल को कैसे छुड़ाना है और उसे शादी कर को डोला फना के भी लाना है। बहादुर, इस समय ढोलहा देने में देरी नहीं करो, बिलहम तुरंत दे देबो ता। हाँ, ए पूरे महुआ वासियों का यह सूचित किया जाता है कि बउआ इंदल को बराती और कैद में है ये छोड़ाने के लिए दोनों निमंत्रण है। वहां लड़ाई भी होगा और शादी भी होगा। हथवे हथियार खुरपी पिरदाय लेकर बूढ़ा बुतरू जमान सभी मिल के तैयार हो जाइए सिंगल दीप चलने के लिए। अपन अपन घर खाई बराती चली है। ये बताओ जी, तू ढोलहा दे रहा है कि अपन अपन घर खाई और सभी मिल के बरात चलिएगा। तो ये बताओ रे बहादुर कि ऐसे में कोई बरात जाएंगे या भूखा हुआ जाके वहाँ लड़ाई कर सकते हैं कोई। सुना ना, अखनी बतिया दो धोहा ना है
पहले तो वहाँ लड़ाई होते ओकर बाद ना शादी ब्याह के चर्चा कर लेते तो सुनू ना हम तो चलियो कि लौटती में अभी ना इन्हें कने पील हम हो जी तो हलवाई करे में चीनी लावे में डालडा लावे में परेशाने हो जी बता लौटती में अगर जो अभी तो बहु भात में बुनिया भात कर दे विकास के चैनल कहीं का अरे बुनिया भात नहीं होता है रे चैनल ता ओ भात पुलाव कहा जाता हा, है हा 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 वही पुलाव बुनिया पुलाव हा पुलाव बुनिया कर देवल जीते हा हा बहादुर तू जान लो कि जब रुदा आगे की ओर बढ़ा देता है तो पीछे हटाना अधिकार होता है हमारा बहादुर जी संकोच करके ढोला नहीं दो बढ़िया से दे दिया राम दे दिलिए क्या सब चलने के लिए तैयारी है तैयार अखिन खाली दो तीन गो बुढ़वन का अखिन तो हनी जो हम घरे रहम कुहवा में की पुतोहिया बेचारी तेल लगाइबे करत ऐसा बात है हाँ ठीक है बलजोबरी किसी की भी नहीं करना चाहिए सरदार जी पायर दल सुनिए सरदार जी बोलो भैया जी चला 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 जी भैया जी अब साजी के जी था साजा के थो जावा आजी साजा के थो जावा समय विलंब नहीं कीजिए ए बारात सज कर आप फौज सज कर भी सिंगल दीप ने चढ़ा कीजिए हाँ हाँ भाई दर जरूर कहते हो चला जाए समय चला जाए चलो चलो बहादुर चलो बहादुर की हो भाई रुदल की हो भाई रुदल की हो और हो सरदार की हो और हो सरदार की जय हो दौर की के मारी मारले माड़ी हो मैया मुवाली के मारी मारले माड़ी हो सिउठा सदा पिटिया लाल कैले गाड़ी हो
चलता हूं। लोहा सिंह मेरा निमंत्रण दिया है बरात जाने के लिए, इस समय चलता हूं, इस समय कांसो नगर में मैं पहुंच गया हूं। आदरवान सलाम अली, खुश रहो। कहो लोहा सिंह मेरा साला घर ही पर ना है? घर में खुनहा निमंत्रण लेके गया था ना? हाँ हाँ, हमें क्या लिया? मैं आया हूँ गढ़ सिंगल दीप नगर में जाके अब बरात साज करके मैं अपना लोहा सिंह साला को मैं शादी अवश्य मैं कराऊंगा। हाँ जी, क्या तो तू खाली हर फेसर फाका रहू? क्या चीज के हर फेसर बतावा? तोरा साला के शादी लिए करा बहन के दौरी उरी लेके कुछ नहीं ले रहे तेरा बात। मिठाई उठाई कुछ न लेके। सुनो बहादुर जी, कांसो नगर से पूरा बरात सजावेंगे, जितना सौदा लेना है सब यहीं से न सजाएंगे। ठीक है, चलिए महाराज, चलो मिलिए चल के। पूरा नोट लिए हुए हैं, चलो। मालिक जी, क्या बात है बहादुर? राज सिरसा वाला मालिक जी आवल है। खूब क्या आए हुए हैं? चलो मिलता हूँ, चलो चलिए। नमस्कार करता हूँ। खुश रहो। कहिए लोहा सिंह, समाचार सुनाइए इस समय कांसो नगर के। बहादुर, ए हमारे महनोई बिरमल खान जी हैं, लेकिन हमसे बड़ा है उम्र में, तो मैं भैया भी कह देता हूँ। सुनिए भैया बिरमल खान जी। कहिए लोहा सिंह। ए मेरा कुशल तो ठीक है, लेकिन सुनिए। कहा जा कुशलिया भैया जी, आज राजा जी सिरसा के, आज कहा जा कुशलिया बहिना गजमोती के हमार। क्या आज कहा जा कुशलिया बहिना गजमोती के हमार, आव भेद बता दाता। राज सिरसा का कैसा कुशल है जो आप हमें कहा सुनाइए? ठीक है ले कुशलिया भाई, रहलो राज हो सिरसा के भाई, सुनलो लोहा हो सरदारी। ठीक है ले कुशलिया भाई, रहलो राज हो सिरसा के। ठीक है ले कुशलिया तोहर बहिन के आज, अरे ठीक ले खुशलिया ले। साजी दा बरतिया भाई, हाँ तो मैं भी कहने वाला था। अहो ये ही हो बेरिया में भाई, सुना लो लोहा हो सरदारी। साजी दा बरतिया भाई, अरे जेब सिंगल दीप नगरिया, तोहरा के सदिया भाई बदे भाई हम कराई। अब
बस सजद बरतिया नगर में देरी मत लगाओ भाई, इसमें चलो सिंगलगढ़ सिंगल दीप नगर में और चल के मैं तुम्हें टीका तू बिलवाया है इस कारण से हाँ। मैं बस मैं शादी में करा दूंगा। हाँ भैया बिरमल खान जी, ए क्योंकि राजा का समय भी दे चुका हूँ कि 68 मिनट बरात आ रहा हूँ और समय बचा नहीं है, ए समय देरी नहीं करना चाहिए, बरात साज कर ए सिंगल दीप में चलना होगा, चल कर राजा को साथ जाकर जलमसा गाड़ कर खबर दूंगा और राजा का पुत्री से विवाह होगा, विवाह कर कर ए अपने राज कांसो आऊंगा। बहादुर सारा सामान है ना तैयार, चलो चलिए महाराज ब्रास लेके चलो बहादुर। ठीक है चलिए, ढोल पीट दो ढोल फिटा गया महाराज, गया पूरे कासो में निमंत्रण दे दिया गया है महाराज, चलो चलो बहादुर चलो। बिरबल खान की, लोहा सिंह की जय हो, लोहा सिंह की जय हो। टीका इस किले में भेजा है, कौन राजा रखा? कासिक लोहा सिंह, कासो के राजा लोहा सिंह टीका रखा है। हाँ क्या ठीक है, बरात आने दो, बैठो। टीका रखा है तो बरात आने दो और युद्ध के लिए हम लोग सेना तैयार करो बेटे। भाई बिरबल खान जी, इसमें सात समुद्र गंडक पार होने वाला हूँ। अच्छा, और सिंगल दीप गणराज पहुँचने वाला हूँ, चलो 5 कोस का फासले में तंबुआ जलवासा गलवा कर राजा को चिट्ठी पहुंचा देना होगा। ठीक है चलो, कि हम लोग बड़ा साथ करा चुका हूँ। चलो भाई लोहा सिंह, चलो बहादुर अलस बिरबल खान की जय हो, भाई लोहा की जय हो, भाई लोहा की जय हो, बिरबल खान की जय हो। चलो रुके निमा से गाना, गर्मी घामा का दिन है, कहीं उड़िया न रे, आंधी तूफान का दिन है। बहादुर जी इधर सुनो, आहो ले केरा चिट्ठिया बहादुर, आ चला जा सिंगल दीप गढ़वा में क्या महाराज, आ हो लईके आला चिटिया धावन, चला जा सिंगल दीप गढ़वा में, आ हो जाई के रखवरा, आ जगा द सिंगल दीप गढ़वा के रात, आ हो भेद बताया त
सिंगल दीपगढ़ में, क्योंकि राजा ए के खबर पहुंचा दो हम महाराज कि हम लोग कासों से बरात साज कर आ गए हैं। पांच कोस का फासले में लिखो रे, लिखे पड़ता है कि कहां भी जाके लिख सकता, चिट्ठी भी लिख सकता है। अच्छा ठीक है, दोनों काम कर दे भाई। तो श्री स्वस्ति सरूपमा योग पत्र लिखा, श्री स्वस्ति सरूपमा योग पत्र लिखा राजकांसों से, राजकांसों से राजा लोहा सिंह, राजा लोहा सिंह के तरफ से राजाओं का प्रणाम। हाँ अब बोला, बोलो बात। मैं बरात साज कर, मैं बरात साज कर राजकांसों से, राजकांसों से सिंगल दीपगढ़, सिंगल दीपगढ़ में पांच कोस का फासले में, पांच कोस के फैसले में तंबुआ समियाना गाड़ दिए हैं, गाड़ दिए हैं ब्रास, सभी बराती को नाश्ता पानी का व्यवस्था, शरबत का व्यवस्था कर दिया जाए। हाँ। ठीक है, सात समुंदर पार करके आए हैं हम लोग, आए हैं तो भूख नहीं लगा है रे, जितना जल्दी कहो कि भेजाओ राजा से। ठीक है, ठीक है महाराज जाओ। आज जुलमा गुजरा गेलो सामी जी, आज जुलमा गुजरा गेलो सामी जी, आज सिंगल आज दीपावा में, आज जुलमा गुजरा गेलो सामी जी, आज सिंगल आज दीपावा में, आई गेले बरतिया राजा जी आ हमारो जी, आज अजुलमा गुजारा गेलो, राजा सुना लगा हला जी हमार, आज अजुलमा गुजर गेले, जुलम गुजर गए हैं स्वामी जी, मेरी बराती आने वाला है, मुझे यहाँ से जल्दी से लेके भागो। या रानी बराती आ गया? हाँ स्वामी जी, दूसर जगह से बराती आ चुका है रानी, तुम्हारे ब्याह के लिए दूसर जगह से बराती आ गया रानी। हाँ स्वामी जी, आज जाला दी काला ले रानी जी, आज आसमान तर हरावा में से रानी जी, स्वामी जी की रानी जी सारा ले बरात एक रानी जी, असुरा वाले बयूता लाले रानी जी, स्वामी जी असीमा पर हरा में हमारो, असीमा पर हरा में से हमारो, रानी जी भूले ले बरतिया के सिरा बाबूता, हमें जल्दी अस्सीवन तरहारा में से निकालो रानी, क्योंकि सारा बरात आएगा और मैं सारा को सिर काट लूंगा रानी। ठीक है स्वामी जी, मैं रस्सी लटकाती हूँ, आप ऊपर आ जाइए। ठीक है रानी, रस्सी जल्दी भिगो, आप रस्सी के सहारे ऊपर आ जाइए स्वामी जी। ठीक है रानी, खींचो रानी, खींचो खींचो रानी, और कस के खींचो। रानी
रानी जी सुनला आज दिलवा के हमारा बोल कहा से बरतिया आई तई आज तानी तहरा के आज कहा से आ बरतिया ले रानी आज आई तई तहरा से आज से कर के हलिया रानी जी दाना जी सुनाए आज भेदवा बता दाता रानी सुना लो तो हालत हमार आज कहाँ से बरती आज आज तो हरा के आज कहाँ से बरती आज आज तो हरा के आज से करा के हलिया रानी दाना बातल है आज से करा के हलिया रानी दाना बातल है आज का हंस बरती आज इसमें तुम्हारा बरात कहाँ से आने वाला है हरानी स्वामी जी मेरी बरात कासों से आ रहा है रानी जी सुनला आज दिलवा के हमारा बोल कहा से बरतिया आई तई आज तानी तहरा के आज कहा से आ बरतिया ले रानी आज आई तई तहरा से आज से कर के हलिया रानी जी दाना जी सुनाए आज भेदवा बता दाता रानी सुना लो तो हालत हमार आज कहाँ से बरती आज आज तो हरा के कहाँ से बरती आज आज तो हरा के आज से करा के हलिया रानी दाना बातल है आज से करा के हलिया रानी दाना बातल है आज कहाँ से बरती आज इसमें तुम्हारा व्रत कहाँ से आने वाला है हरानी स्वामी जी मेरी बरात कासों से आ रहा है आपको बरात कासों से आ रहा है हाँ स्वामी जी ठीक है आने दो रानी सारे बरात को सिर काट लिया जाएगा आने दो बरात साज कराने दो ठीक है स्वामी जी बेटा जो गलपत बरात आ गया है कल कासों से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ चलो बेटे सलाम सरकार सलाम सरकार खुश रहो ये बताओ कहीं का धावन मालूम पड़ता है हाँ महाराज मैं जानना चाहता हूँ तुम किस किले का धावन है हमारे मकान कासों में पड़ता है महाराज ओ मैं जो तुम कहा बराती आ गया हाँ सरकार बराती आ गया हूँ हम लोग का नाश्ता पानी जलमासा का व्यवस्था किया जाए महाराज नहीं नाश्ता पानी नहीं होगा पहले युद्ध होगा जो कोई लड़ाई में जीतेगा वही मेरी बेटी को विवाह करके ले जाएगा जैसा आज्ञा हो महाराज जैसा मैं खबर कर देता हूँ जाके खबर कर दो अपने मालिक को कि सिंगल देव नाग सिंह युद्ध के लिए तैयार है ठीक है महाराज जैसा आज्ञा हो मैं जाकर के कह देता हूँ ठीक है जाओ ए, गुंडा को तो मैंने यस्सी हाथ के तरहारा में भसा दिया हूँ और दूसरा जो दुल्हा बन गया है कल कासों से बेटा कल पर जोगा उसे भी सिंहासन के तरहारा में भसा दूंगा मेरा ही नाम श्री नाग सिंह है चलो बेटे आने दो Thank you.
खुश रहो बहादुर। जा करके खबर दिए महाराज। खबर दिया तो राजा क्या बोला? कि बराती पांच कोस के दूरी में आए हुए हैं, हम लोग का जलमासा और नाश्ता पानी की व्यवस्था किया जाए। राजा कहा नहीं, पहले युद्ध होगा, लड़ाई होगा, जा करके मालिक के कह दो कि लड़ाई करने के लिए तैयार रहे। क्या खुशी पूर्वक से शादी करने का इच्छुक नहीं है ना? चल तो संगठन। क्या ऐसा बात है? हाँ महाराज। तो भैया बिरमल खान जी, क्या ऐसे तो देर ना लगावा भैया जी, सिंगल दीपा गढ़वा में आई लो हसी, अब चल के लड़ैया अल्लाह भाई सिंगल दीपा के राज, अत देर ना लगावा जी भैया जी। भैया जी क्या इसमें देर नहीं लगाना होगा, फौरन चलकर रास लड़ाई करना होगा। चलिए चलो इस समय, चलिए मारो चलो मारो। उसका धावन आकर सभा चार देकर चला गया, अभी तक कोई डंका नहीं बजा रहा है। मारो 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 का आवाज आ रहा है, मारो मारो का आवाज किधर से आ रहा है? अब बेटे मैं रेल क्षेत्र में आया हुआ हूँ, कौन है? मारो सिंगल दीप घर का लूट लो, मारो मारो ए, मारो। रुक जाओ रुक जाओ, क्या है? मारो मारो का आवाज लगाते हुए इधर आ रहा है, बताओ कहाँ को जा रहा हूं, जो सुनना चाहता है। हाँ ओ कबन नगरिया में हो बिरावो तन लागू, ओ कौन तक नगरिया में हो बिरावा ओ तन लागू, अहो का हमारे डंकवा बजाई के कैला हो पैगाम, ओ हाल बता दे तन। कण किला में वो तो लगता है डंका बजाते हुए, कहां जा रहे हो, क्या परिचय तेरा है, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो मैं कासो का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लोहा सिंह है। जो टीका हमारा बेटा हाँ लेकर गया था वह ब्रात है? हाँ वही ब्रात है। सुनो मैं भी क्या, आप कौन है यहाँ का? मैं सिंगल दीप का राजा श्री नाग सिंह, मेरा बेटा जोगा और गणपत सिंह है। आप ही श्री नाग सिंह है? वो दोनों को तो पहचान रहा हूँ, गणपत सिंह और जोगा है ना। चलो राजा न सुनाला आज दिलाबा के हमारा बात, बसा जी के बरातिया आईली अब राजा का सो से, अब करके विवाह जय सिंगल दीपा से आज,
पूर्वक से विवाह करना चाहता है तो करो। अरे कब से मन बढ़ रहे दुश्मन हो गए कासुर वाला। अरे कब से मन बढ़ हो गए कासुर वाला। ऐसा बात है जोर दुश्मन साज के बरतिया इला सिंगल दीपावा के राज साजी के दीपावा के राज। अरे कब से मन बढ़ा तो हो कासो वाला हो गया है। ब्रात साज कर सिंगल दीप में आया है मेरी बेटी लेखा से विवाह करने के लिए। कब से मनमर हो गया है कासो वाला। चलो क्या राजा न सुनाला आहो दिलाबा के हमारा बात। आब जब से जना मिया लिया राजा का सो में आहो जब से लबाधा लिया ढाला तरबार आहो जब से जन्मी अल राजन जन्म लिया कांसो में लोहा सिंह जब से बन लिया ढाल तलवार। सुनो 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 नाग सिंह श्री नाग सिंह मैं तुम्हें पदवी बढ़ाता जाऊं तुम्हें नाम मैं चेंज करता हूं नागेश्वर। क्या मां सुनो हमर जो सलवार रहलो लोहा हो सिंह हमर जो नमामा रहलहु बिरमल खाना हो सिंह। अरे हमारा ले डरवा से बहता सोस्त बंद हो जा है ले आजी। अरे कौने नहीं जा नहीं हो करा
महेश्वर सिंह क्या लोहा सिंह मेरा साला है बिरमल खान के बिरमल खान हाँ हाँ जो राज्य महबा का दक्षराज बक्षराज दक्षराज का बेटा अल्लाह रुदल बक्षराज का बेटा मलखान ओ हो हाँ हाँ राजसिरसा के मैं रहने वाला हूँ ओ तो तुम्हारा साला साला का विवाह करने के लिए तुम हाँ हाँ आए हो बलापलो हाँ मेरा साला निमंत्रण दिया है और अपने साले को बरात साज कर तुम आया है सिंगल ट्रिप में विवाह करने हाँ नागेश्वर सिंह मलखान अरे वो छा जाती यारे मलखा बना फर है सिरसा के बना फर है सिरसे का अरे बेटी न विवाह भाई कासो गढ़ के राज अरे बेटी न विवाह भाई कासो गढ़ के राज अरे वो सारे जतिया बना बना फलो तुम सिरसा का बक्षराज का बेटा तुम मलखान हो हाँ आल हरदल का चचेरा मोसेरा भाई हाँ हाँ तुम्हारा ससुराल कांसों में पड़ता है कांसों में पड़ता है तो लौट कर चल जाओ एक ही बराती को जिंदा नहीं छोड़ सुनो अरे थीजिया उड़ा दे बो हम सिंगल दीप नगर के अरे थीजिया उड़ा दे बो सिंगल दीप नगर के खुशी ले दिलवा से शादी दे दे तू कराई अन्य तो गर्द उड़ा दे बो मलखान बना फलो धज्जी उड़ा देगा हाँ हाँ सिरसे का मलखान क्या अरे मलखान अरे का अरे कोई रिकू रमी के रे मलखा हम बेटा न रही अरे कोई रिकू रमी के रे मलखा हम बेटा न रही बेटा राजपूत के कहलाए हम बेटा राजपूत के कहलाए अरे कोई रे कुरमी के सुनो कोई कोई रिकुर्मी का नहीं बेटा नहीं कोई नीचा जात के खाओ मैं बेटा राजपूत को जो मरने से डरता ना है तो क्या तुम राजपूत का बेटा हो तो क्या मैं जोल्हा के बेटा हूँ कि मैं भी राजपूत के जलमल हूँ तो क्या तुम तैयारी है अरे जितना बरतिया रे मलखा अरे यही लगल का सो से लोहा सिंह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है जितना बरतिया मलखा आई लगल का सो से सबरे बरतिया के सिरा वाले बहु कान सबरे बरतिया के सिरा वाले बहु कान जितना बरतिया तई का सो से मलखा
तैयार हो जाओ। क्या जितना बराती कासो से आया है सही बराती को मैं सिर काट लूंगा। ठीक है, नाम श्री नाग सिंह है, देखूंगा दिमाग। चलो आ जाओ, तैयार हो जाओ बेटे, चलो आइए, चलो तैयार हो जाओ। सुनो, क्या मेरा बेटा जोगा गणपत जीगा लेकर गया था, बारह बरस तक कुत्ता जिए, बारह बरस तक कुत्ता जिए, सोलह बरस तक जिए सिहार, तेईस अठारह छत्र जिए, जाद जी ने श्रीनाथ सिंह छत्री जात को कलाता हूँ, छत्री जात को कलाता हूँ, रग रग में है जोश, आ जाए तुम लोग नहीं मारा श्रीनाथ सिंह, तुम्हें लाख लाख अब। चलो तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ। अरे पता गए लड़ैया दादा सिंह जी पापा, लगता है यही बरात साज को आया है और यहाँ पे युद्ध कर रहा है, मैं भी इस युद्ध में सारा बराती को मैं सिर काट दूंगा। चलो चलो, जोगा गणपत, अरे हम लोग के तरफ से एक कौन जोगी आकर लड़ रहा है, और वही जोगी और जितने काशी का फौज था सबको भगा दिया, हम लोग को बहुत मदद मिला है। देखो काशो का सेना भाग गया, क्या अभी युद्ध के लिए आता है, बैठकर इंतजार करो। चलो मारो, साधु का लड़का, एक साधु आया वो किधर से फुचफुचा गया, मैं देखता हूं उसे कितना सहन शक्ति है। चलो सिंगल दीप ने आ चुका हूं, लगता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं घुल टहल कर ये देख कर मैं आता हूं। सुनो सुनो, ठीक है भाई रिदल, ते लड़ाई देखो कि लड़ाई किसके किसके साथ हो रहा है। मैं लड़ाई देखने के लिए रहा था,
आज हमारो ले चाचा जी आहो तो हारो आ परनवा जी लेता हार कीरा जना चाचा जी जावरा थना मारो अलेता हलला लेता लड़ैया ले राजना बीरामा लखनवा जी हमारो बीरामा लखनवा जी हमारो की चाचा जी लेता लड़ाई आज बीरामाला अब तू है पड़ी रही है। मैं जाकर देखता हूँ लड़ाई एक केरा किसको किसको से हो रहा है। ठीक है सरदार जी यहाँ पर रुकिए। चलो चलो भैया मलखान जी, भैया मलखान जी के प्रणाम करता हूँ। ए लगता है ए लड़ाई हो रहा है भाई रुदल दल की आवाज है। ए तुम्हारा आना कैसे हुआ यहाँ? मैं इस लड़का को मैं नहीं छोड़ूंगा। जाइए भैया जी। क्या भाई रुदल? मेरे से बात कीजिए, सुनिए। ए साधु के लड़का ए हमसे जुद कर रहा है। इधर इधर आइए। क्या भाई रुदल? भैया मलखान जी क्या सुनिए, ए जो लड़ाई की आवाज आ रहा है, लड़ाई के जो आवाज आ रहा है उस साधु के, ओ बेटा हमारा इंदल है। क्या बेटा इंदल? तो बेटा इंदल के यहां आना कैसे हुआ भाई रुदल? सुनिए आज भैया जी सुन लाल आज भैया बीराजी मलखान रुदल आज कई दवा मेरा हला ना भैया आवा बेटा इंदल में आब कई दवा मेरा हला ना भैया आवा बेटा इंदल में आब कई दवा छोड़ा बेला भैया लियो जी हम आज कई दवा छोड़ावे बेटा इंदल के लियो हम आज सुनल कहानी आज याद हमारा आज कई
भैया जी भाई रुदल सिंगल दीपने मेरा बेटा इंदल कैद में था, इसे छुड़ाने के लिए मैंने ये सिंगल दीपने आया हूँ। क्या भाई बेटा इंदल कैद में फंसा हुआ है? तो ठीक है भाई रुदल, इस समय बेटा इंदल को जाके कैसे छुड़ाइए, इस समय मैं अपना साला को शादी का मैं विध हार मैं करवाता हूँ। इस समय तुम जाके बेटा इंदल के तुम कैसे छुड़ाओ, मैं भी अपना साला को मैं विध हार मैं करवाता हूँ। आज भैया जी सुन ला, आज भैया बीरा जी माला खान रुदल, आज कई दरा मेरा हला ना भैया, आवा बेटा इंदल में आब कई दरा मेरा हला ना भैया, आवा बेटा इंदल में आब कई दवा छोड़ा बेला भैया आइली हो जी हम यार, आज कई दवा छोड़ा बे रुदल बेटा इंदल के आइली हो हम यार, आज सुनल कहानी आज याद हमारा बेटा इंदल के, आज सिंगल दवा दी पारा ने बेटा इंदल के इधर रहा लो जी हम भाई, आज सिंगल दवा दी पारा ने इधर बेटा इंदल रहा लो जी हम, भैया जी भाई रुदल सिंगल दीपने मेरा बेटा इंदल कैद में था, इसे छुड़ाने के लिए मैंने ये सिंगल दीपने आया हूँ। क्या भाई बेटा इंदल कैद में फंसा हुआ है? तो ठीक है भाई रुदल, इस समय बेटा इंदल को जाके कैसे छुड़ाइए, इस समय मैं अपना साला को शादी का मैं विध हार मैं करवाता हूँ। इस समय तुम जाके बेटा इंदल के तुम कैसे छुड़ाओ, मैं भी अपना साला को मैं विध हार मैं करवाता हूँ। नहीं क्या सुनिए भैया जी, पहले बात को मेरा ध्यान से सुनिए। क्या ध्यान से सुने? बेटा इंदल मेरा साथ सात समुद्र गन्हक पार कैसे आया, ये जी मेरा बात पहले सुनिए। बताओ मेरे भाई। ये बात तो आप जाने हैं नहीं, बेटा इंदल राजमहल में ये सोई हुआ था, तो ए सात समुंदर गन्हक पार ए बेटा हमको पगला गया, उठा और कहा कि चचा जी पिताजी मैंने नहीं बचूंगा, जब तक ला आनी से मैंने रानी के मुंह नहीं देखूंगा, ये जो लिखा हुआ है बोल। वो बेटा इंदल कहा कि मैं भी नहीं जानता हूँ, खाली कहा कि चचा जी मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन लिखा हुआ है कि पतिदेव उठेंगे, इनको से मैं प्रेम करूँगा, ये सात समुंदर एक गन्हक पार होके आवेगा तो इनको से मैं विवाह करूँगा, अगर जो असल के होगा तो आकर सात समुंदर गन्हक पार आके हमसे प्रेम करेंगे, और अगर जो दोगला होगा रंडी भरवा के जाना होगा तो राजमहल में आराम से बैठेगा। क्या भाई रुदल ऐसा ग्रांड वाला बात कह दिया, तो क्या बेटा इंदल सह सकता है? कभी नहीं सह सकता है अपना। लेकिन ये बताइए भैया जी, क्या आप किधर आए हैं, कैसे आए हैं, किसी के साथ बारात लेके आए हैं? हाँ यही नागेश्वर सिंह मेरा साला के शादी का निमंत्रण दिया,
मेरा साला टीका भिलवा लिया और मुझे क्या चिट्ठी दिया, तो मैं अपना मैं साला को मैं शादी कराने के लिए सच धज के मैं आया हूँ। सरदार जी एक तो बेटा इंदल के साथ में सहे तीन फेरा हो चुका था, आधा शादी तो हो चुका था। क्या आधा शादी रुकल था, तो ये बताइए कि अपना बेटा इंदल के शादी कराइएगा कि अपना साला के शादी कराइएगा। क्या ऐसा बात? हाँ तो शादी करा दे भाई, भाई हम अपन बेटा हो इंदल के। क्या सरदार जी? कसटी भाई बेटा इंदलवाल सहलई नागेश्वर सिंह के बेटिया से अब सदिया दे दे कराई अब चाहे ले जिंदगी ले। क्या भैया बिमल खान जी, क्या हल्ला क्या जी कह रहा है? इस समय घमासान युद्ध हुआ तो हमें भागना पड़ा, आप वहां गए थे। सुनो हो रहा है, कौन नहीं जानता है बिरबल खान के मैं कितना मैं बलवान हूँ जे लोहा सिंह। भैया जी मैं तुम्हें सच्चा सच्चा मैं बात बताता हूँ। क्या मेरे राज महबा से बड़े भैया अल्लाह जी रुदल मेरा बेटा इंदल कैद में फंसा हुआ है, जिस शादी करने के लिए तुम आया है लोहा सिंह सानी लेखा से। हाँ आधा शादी पहले हो गया है, जे टीका चढ़ाया है पहले ब्याह मुझको होगा। कैसन तू साला है, हमको बात नहीं मानेगा? अरे आधा शादी हो गया है और लड़की के तो तू आधा करेगा? यदि आप कहते हैं तो मैं मानता हूँ। सुनो तो क्या मैं भाई भाई में मैं झूठ करूं? नहीं ना मैं भी नहीं करूंगा। जब कहते हैं कि आधा शादी हो चुका है फिर ये जोगी बन के फंसा हुआ है कैद में। क्या भैया मलखान जी ये कौन है? हाँ हाँ यही भाई मेरा साला लोहा है, इसी के पास निमंत्रण दिया था नागराज। क्या यही तुम्हारा साला है? हाँ लोहा सिंह। क्या रे बोलो कई ना किन इनका सौंप कहू की आधा विध लड़की के होल है आधा बाकी है। अरे तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जान ही गया है। नमस्कार सुना हूँ आपके बारे में, मेरा बारे में सुने होंगे। हाँ लेकिन बेटा इंदल के और रानी लेखा के साथ में ये आधा शादी हो चुका है, सभी तीन फेरा हो गया है और तीन फेरा बाकी है, वो यहाँ पड़ी होगा। उस समझ बात ना इनका साफ समझो देखा बउआ इंदल तो भगना तोरा लगल खुन ना तो वो आधा बियाह जब होले है तो तू भगुन पुतोहिया से करबू शादी? नहीं बहादुर नहीं नहीं होगा। हाँ तो चल सोने सर आज भैया जी सुना ला आज बिराज मलखान सदिया करा ले भैया जी हमर बेटा इंदल के। हाँ हाँ आवाज में करा दूंगा और मैं सदिया अब करा ले भैया जी हाँ अपन बेटा इंदल के। आरे रानिया लेखा के आज बहुआ हम ले लेबो बनाई अरुदल आज ये तने कहली आज रहो हमारा
से आरे बेटा इंदल के सुदिया हमे शादी ले ले वो कराए अरे बहुआ बना ले वो। सुन लीजिए भैया जी, मैं ए रानी लेखा के बहू बना लेंगे, बेटा इंदल के साथ में इस शादी में कराऊंगा। इस समय चलो और उस नागराज के साथ तुम लोग लड़ाई करो, हमें जोगा गणपत के मैं टांग मैं काट दूंगा यही तलवार से। चलो इस समय चल जाओ। चलिए भैया विमल खान जी, देरी मत लगाइए। चलो देरी मत लगाइए, चलिए लोहा से चलिए 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 जी चलिए। अलहसार की जय हो, विमल खान की जय हो, भाई रुदल की जय हो। हम गैला दीवाना माल भैया आज महाबिया के जाबन आबरम कैदी बनवाए भैया मोहामी आहो बाला रामावले दिन धावले हो बनाए दिन धावे हो बनाए आज धावे ले धुबाला हो चाले मोहावी आहो बाले सुमरण करके नारायण कर बेटा गणपत सिंह मारो मारो का फिर आवाज लगाते हुए आ रहा है। उस युद्ध में तो मैं समझा कि सारी फौज भाग गया, फिर कहां से फौज आ रहा है पता करता हूं। रुक जाओ, ये बताओ पहला युद्ध में तुम लोग भाग गया था, फिर मारो मारो करते हुए डंका बजाते हुए कहां आ रहे हो? क्या मारो मारो करको कहां से हम लोग आ गए बेटे? वो जोगी कहां गया बेटे? जोगी लड़ता था हम लोग की तरफ से। सुनो श्री नाग सिंह राजा, क्या पहला लड़ाई तो तुम्हें कासो वाला लोहा सिंह से हुआ? तुम लोग वही तो नहीं? तो हम लोग वो नहीं है, हम लोग तो कोई और हैं। हम राजमोहे वाले आल्हा सरदार हैं, हमारे साथ में भाई रुदल है। क्या? हाँ चश्मा चश्मा पहन के देखो, वो आदमी नहीं है। अरे तुम पे हेलो, अरे सुनो राजन, हमारा बेटा इंदल को बहुत दिन तक कैद खाने में रखा है। बेटा इंदल तो अब आजाद हो चुका है, तो इसलिए तुमसे कहना चाहते हैं, जब बात ध्यान से सुनो। क्या कहने से सुनो वो? हाँ तो ये बताओ आप, ये कासो का बरात नहीं है? नहीं कासो का बरात नहीं है, नहीं कासो का बरात नहीं है। अरे क्या, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या पिताजी? हाँ, मैं क्या सुन रहा हूँ? आज चाहा कुशलिया आए राजा, अच्छा आई गढ़ा सिंगल जी दीपावा में, अच्छा आज खुशी खुशी शादी आता बेटिया के, क्या बेटा
कुशल चाहते हो अपना घर सिंगलदीप का इंदल के साथ अपना बेटी को खुशी खुशी शादी कर दो। नहीं आज लौट के ले चल जाइए अच्छा आपन राजवा के ले पर अच्छा आज लौट के ले चल जाइए आप बुहारिया के ले रात अच्छा आज जहां कुशलिया राजा नाग सिंह अगर ते कुशल चाहते हो तो अपना बेटी लेखा को हमारे बेटा इंदल के साथ खुशी पूर्वक विवाह कर दो, हम लोग अपना राज खुशी खुशी लौट कर चले जाएंगे। ए सुनो मारल जाइबे पापी अरे सिंगल दीपबा के राजवा में अब मारल जाइबे पापी हे हाँ बेटे हाँ बेटे सिंगल पी कर जवा में बेटा बोल लो बोल लो कोई ना बच भैया हे पापी मिल तो जे तोहरा के आज अब कोई ना बच भैया हे पापी मिल तो मोहवा के राज आज मारल जाइबे मारल जाएगा पापी कोई नहीं बचवाया मिल गया सिंगल दीप हम लोग मारे जाएंगे अरे जब पिताजी मोहबा का परिमाल सिंह समझो नौकर है जब चाह रखा जब चाह निकाल देता है अच्छा क्या है तो राज कनबज में रिजगिरी में रहता है पिताजी इन लोग का नहीं है अरे उससे क्या हो गया करने के लिए कहीं भी रहे रिजगिरी में रहे या राजमहुआ में रहे बात बराबर ही पड़ता है। सुनो क्या हम लोग कहते हैं कि राजी खुशी से शादी कर दो, क्यों लड़ाई झगड़ा करना चाहता है? अरे नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं तो ना करते शादी तो बहनी से अपने करता है। क्या ऐसा ही होगा? अरे करुआले पानी है बबुआ अगे रह गए राज जी मोहबे का अच्छा अब कर वाले पत्ती आए बाबूआ आई वो हवा वाला कर है ना हो बारा दा अच्छा अब कर वाले पानी तो बाबूआ पानी है राज महोबे का कड़वा बात किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनो सुनो समझ गया? ए सुनो अरे हाय दूस
समन होता नि सुन ले। हाँ बोलो। आज बात जी हमार ना कोई जल मारे दुश्मन बांदार जी सुर में। अच्छा अच्छा बोलो बोलो। पापी बांदर सुर के राज ना कोई जल मर पशु मर मर अच्छा न कोई जन्म बानासुर ने न कोई परशुराम ले आया। ऐसा सवाल करता है बेटी जो हमारे बेटी को डोला फना कर सिंगल दिन से लेकर चला जाएगा। ओ, ऐसा बात है। अब बात बारे पाजी आई गढ़ सिंगल रे दीपावा में अब सिरा बात काटी ले पपिया आई पापा बेटा वा के देबो रे तोहार आर बताता बढ़ई बर पाजी रे मारे भाई रुदल हरम जाके तो खेत खेत कर मारना है। आप सिरा मत काटी ले जाई बहु आई पापा ले बेटा वा के तो हाथ बात बढ़ाएगा तो बाप बेटा का सिर काट देंगे समझ गया। चलो तैयार हो जाओ। है बेटा तैयार हो जा रहे चलो चलो दादा गल सिंगल लो बजरंग बली के नाम सुंदर नगर के दादा नारायण ए ले बजरंग बली का नाम पट गई लड़ैया दादा लगे बेटा जोगा गणपत सिंह पिताजी। बेटा गणपत सिंह आसो वाले को तो हमने भगा दिया था पिताजी लेकिन मोहवे वाले बड़े खिलाड़ी पटेबाज है इससे पार पाना बामनो किलाओं के किसी राजों का औकात नहीं है नहीं है। मैं भाई रुदल सुने थे कि एक बेटा इसका और गणपत है वो इधर भाग गया वो लगता है मैदान छोड़ के भाग गया। अरे हाइब्रिडवा बेटा गणपत सिंह बेटा गणपत पिताजी
तुम्हारा उस समय जन्म जन्म नहीं था बेटे, तुम लोग को उम्र में मरे वाले का नहीं जानता है। बीरमल खान के साला बहनोई है, हम दोनों मिल गए। ये नहीं जानता है मेरे भैया जी हैं, मेरे याला भैया जी हैं। ए पापी कुसल चाचा बेटे, कहा गया है कि जरूरी जल जाता है बाकी उसको ऐठा नहीं जाता है। बेटा गणपत सिंह कैद में आ चुका है तैयो इसको ऐठा नहीं जा रहा। बेटा गणपत क्या बहादुर नहीं बहादुर अभी अस्थिर रहो। बेटा गणपत देवी गर्जित हिंगलाज में, देवी गर्जित हिंगलाज में कि जो कोई पहले पूजा करेगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मणों किलाओ कर जाओ, हम लोग ने सबसे पहले पूजा करने के लिए हिंगलाज को चल दिया था। दो रास्ता था, एक रास्ता एक साल का जिसमें पानी कहीं भी नहीं, एक रास्ता छह कोस का जहाँ हाथी बाघ का बार नकदा दाना के मार, इसका मार से कोई राजा कोई रास्ता से बढ़ नहीं रहा था। हम लोग जमा हो गए एक जगह, पीछे से तुम्हारे उम्र का अल्लाह रूदल मलखा सुलखा देवा बालक था, उन लोग भी आया और इस बात को जाना कि भारी दहशत रास्ता में है। तनिक सा भी देर नहीं किया, जो रास्ता में हाथी का था मार, बाघ का मार, नकटा दाना जो आदमी को पकड़ पकड़ खा जाए, वही रास्ता से इन लोग आगे फैसला किया जाने का। वास्तव में इन लोगों ने पूरे हाथियों को मार गिराया, पूरे बाघ को मार गिराया। वही मैं बाघ रुदल हूं, नकटा दाना को पछाल पछाल कर मारा। और सबसे पहले आदि माँ भवानी दुर्गा का पूजा मोहे वाले अल्लाह ने अपना सिर काट कर आदि शक्ति पर चढ़ा दिया। और वही देवी आदि शक्ति फिर अल्लाह को मुड़ी जोड़कर अमर पति का वरदान दिया। अल्लाह अमर है बेटे, चिंता करने की बात नहीं। जो टीका गया था गढ़कासो उससे अच्छा हुआ कि उस घर में तुम्हारा बहन का विवाह हो रहा है। अब राजी खुशी से जब कैद हो गया, मेरा हार हुआ है तो इतना तो मैं जान रहा हूं कि मेरी पुत्री कोई कायर कमजोर के यहां नहीं, मेरी बेटी कोई वीर योद्धा के घर में जा रही है। हाँ हाँ सुना रे हाइब्रिड बा, बाप का बोली। और तुम तो चटनी है रे, तुमको तो ऐसे ही चाट जाएंगे हम लोग। वो बात भी है, अल्लाह रखा हुआ तो 2-3 साल से बसल न है। ठीक है, हम कैद छोड़िए, इस समय शादी करवाइए, कैद से हम लोग दोनों बाबूत को छोड़िए। अभी मैं नौवा ब्राह्मण बुलाता हूँ। हाँ हाँ भैया जी, घर में मड़वा छड़ाता हूँ। बेटे कहा गया है कि जरूरी जल जाता है बाकी उसको ऐठा नहीं जाता है। बेटा गणपत सिंह कैद में आ चुका है तैयो इसको ऐठा नहीं जा रहा। बेटा गणपत क्या बहादुर नहीं बहादुर अभी अस्थिर रहो। बेटा गणपत देवी गर्जित हिंगलाज में, देवी गर्जित हिंगलाज में कि जो कोई पहले पूजा करेगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मणों किलाओ कर जाओ, हम लोग ने सबसे पहले पूजा करने के लिए हिंगलाज को चल दिया था। दो रास्ता था, एक रास्ता एक साल का जिसमें पानी कहीं भी नहीं, एक रास्ता छह कोस का जहाँ हाथी का मार, बाघ का मार, नकदा दाना के मार, इसका मार से कोई राजा कोई रास्ता से बढ़ नहीं रहा था। हम लोग जमा हो गए एक जगह, पीछे से तुम्हारे उम्र का अल्लाह रूदल मलखा सुलखा देवा बालक था, उन लोग भी आया और इस बात को जाना कि भारी दहशत रास्ता में है। तनिक सा भी देर नहीं किया, जो रास्ता में हाथी का था मार, बाघ का मार, नकटा दाना जो आदमी को पकड़ पकड़ खा जाए, वही रास्ता से इन लोग आगे फैसला किया जाने का। वास्तव में इन लोगों ने पूरे हाथियों को मार गिराया, पूरे बाघ को मार गिराया। वही मैं बाघ रुदल हूं, नकटा दाना को पछाल पछाल कर मारा।
और सबसे पहले आदि माँ भवानी दुर्गा का पूजा मोहे वाले अल्लाह ने अपना सिर काट कर आदि शक्ति पर चढ़ा दिया और वही देवी आदि शक्ति फिर अल्लाह को मुड़ी जोड़कर अमर पति का वरदान दिया। अल्लाह अमर है बेटे, चिंता करने की बात नहीं। जो टीका गया था गलकासो उससे अच्छा हुआ कि उस घर में तुम्हारा बहन का विवाह हो रहा है। अब राजी खुशी से जब कैद हो गया, मेरा हार हुआ है तो इतना तो मैं जान रहा हूं कि मेरी पुत्री कोई कायर कमजोर के यहां नहीं, मेरी बेटी कोई वीर योद्धा के घर में जा रही है। हाँ हाँ सुना रहे, हाइब्रिड बा, बाप का बोली। और तुम तो चटनी है रे, तुमको तो ऐसे ही चाट जाएंगे हम लोग। वो बात भी है, अल्लाह रखा हुआ तो दो तीन साल से बसल न है। ठीक है, हम वो कैद छोड़िए, इस समय शादी करवाइए, कैद से हम लोग दोनों बाबूत को छोड़िए। अभी मैं नौवा ब्राह्मण बुलाता हूँ। हाँ हाँ भैया जी, घर में मड़वा छड़ाता हूँ। तो अपना बहन के साथ में बेटा इंदल के हमारा शादी कर दो। ठीक है, आधा ब्याह तो हो चुका है, आधे ब्याह ना होगा। क्या आधा विवाह हो गया है? क्या आधा ब्याह हो गया है? क्या आधा विवाह हो गया? हाँ हाँ, जब हमारा बेटा इंदल रिजगिरी में सोता हुआ था महल की ओर, तब तुम्हारा ए बेटी लेखा कुमारी वहां पड़ी जाकर और अपना जादू से उसको नींद देकर ए तीन फेरा सह हो तीन फेरा और राजगिरी में लिया था। तो इसी समय हमारा बेटा सुता हुआ था तो चादर पर तुम्हारा लेखा बेटी जो है वो लिख दी थी, लिखी थी इसी ही बात कि नल मैं जा रहा हूं सात समुंदर पार अपना राजमहल में, अवश्य की आना। साढ़े तीन फेरा तुम्हारा नींद में हमें ले लिया हूं और जब साढ़े तीन फेरा बचा है तो सात समुंदर पार आके तू ले लेना। लेकिन राजन तो आधा विवाह तो हो गया है, लेकिन ये भी लिखा था किंदल अगर जो मेरा चाहता है तो साढ़े तीन फेरा आके ले लेना, अगर जो रंडी भर हुआ के जलमा रहेगा तो मेरा राज में नहीं आवेगा, अगर जो असल के जमा रहेगा तो आके सिंगल दीप ने ये साढ़े तीन फेरा मुझसे इस शादी करके ले चलेगा। गणपत सिंह जल्दी ठाकुरायन बुलावो, चौका पुराओ बेटे, देरी मत करो। काचे काचे बसावा काटया मोरा पापा, काटया मोरा पापा, ऊंचे ऊंचे मरावा सबई, काचे बसावा काटई हरे पापा, काचे काचे बसावा काटया मोरे पापा, ऊंचे बेटी के पापा।
कुछ कही ना कही से भारती बैठिया गे बेटी पापा जी के जहिया सांभर के बैठिया सांभर के बैठिया गे बेटी पापा जी के बोला ही सरकार खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए आनंद रहिए। चलिए लड़का को बोलाइए लड़का कहाँ है। जजमनियन के सा आशीर्वाद दे कास का जजमनवा के हल्के दे साहब के बराबर आशीर्वाद देते हैं। चलिए लड़का को बुलाइए आगमा गंगा जी का पानी जैसन पानी जी के नानी सुना बाबा जी गंगा जी के पानी जैसन पानी जी के नानी सुना बाबा जी जल्दी जल्दी बेटिया चलिए लावा छिटवाइए लड़के के भाई कहाँ लड़के के भाई को बुलाइए और लावा छिटवाइए। लावा ना छिटा हूँ दुलारे तो भैया बहिनी तो हारा चलिए अंगूठ अंगूठा छुवाइए अंगूठा छुवाइए अंगूठा छुआ ना दूल्हा हवा हो जाइए ए हो जाइए ना गुलाम तू हो जाइए ना गुलाम जाइए ना गुलाम तू हो जाइए ना हो जाइए ना गुलाम अंगूठा छुआ ना दूल्हा हवा हो जाइए। बापा माई के पहिरो ना छुला जी धानी के गोड़ छुके के तानी। चलिए सिंदूर दान करवाइए कहमा के आई ले सिंदूरिया से उड़ा ले ले खाड़ा भइले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम बोलो शंकर भगवान की। अब सरकार मालिक से डबल दक्षिणा ली है बहु पहले पूरा विध करवाएंगे तब ना। चलिए सिंदूरदान हो गया अब जो भी लड़की चलिए सिंदूरदान हो गया जो भी लड़की के परिवार सदस्य हैं जनानी लोग चुमाएंगे चुमा बहु है ललना धीरे धीरे हुए ला ला
ललना मम्मी अपन तुम्हारा बहू है ललना धीरे धीरे बहू है ललना धीरे तुम्हारा बहू है ललना धीरे धीरे तुम्हारा बहू है ललना धीरे तुम्हारा बहू है चलिए जितने भी देवी देवता हैं सभी को गोल लगवा दीजिए लड़का लड़की से पापा महलिया झभर भूल लागे बेटी पापा महलिया पापा महलिया सपना हो तो गे बेटी सोने गोरैया बाबा खुन गोरैया बाबा गोर लगला गोर लागला बाबू इतना झपे हुए रहते हैं और इनका चुनरी चढ़ा है ता गोरवा लगला हाँ जजमान आनंद रहो आनंद रहो आनंद रहो आनंद रहो आनंद रहो अच्छा से रहना हाँ आनंद रहिए जजमान जजमान अब हमको जाना है कुशहर में शादी करवाना है हाँ तो इसलिए मैं जाता हूँ हमारा दान दक्षिणा होता है जो दीजिए ये सरकार दान तो मिल तो मसूरी गेहूँ कटले पर ना आई सरकार दान तो मिल तो मसूरी गेहूँ कटले पर दक्षिणा ले ला गुरु ब्रह्मन द्वार पर से खोलिए ना जाए दक्षिणा ले ला अरे हमको दान भी चाहिए चावल आटा हमको यहाँ खाने ला तभी गेहूँ में ले है मसूरी में ले है तो पिछला साल वाला होगा ना पिछला साल वाला कुल्ले खाता मोगली की बीजे लगली तो बेच देलखिन अभी काट तो नया मसूरी लिया दक्षिणा ले ला दक्षिणा देते हैं दान बाकी रह जाएगा दान बाकी रह जी तो हम नहीं आएंगे छुट्टी नहीं रहेगा तो परियान जी भी आएगी तो दे दीजिएगा परियान जी के भेज दी है मैं जाए में देर भी रहती तो एक दो रोज परियान जी रहतीन बेचारी ठीक है दक्षिणा दीजिए पूरा पैसा दीजिएगा पंडित जी को मरता रे तोर माई बाप मर जाएगा रे अरे तू कोढ़ी हो जाएगा रे राजन बोलिए अभी तो ये जो लड़ाई पहले से हो रहा था वो तो खत्म हो चुका अब तो संधि संधि हम लोग मिल गए हैं हाँ लेकिन सुनिए एक सवाल मैं कहना चाहता हूँ ये शादी तो हो चुका है कहिए रुदल भैया सुनिए राजन सुन आज दिलवा के हमारा बात आज दे दा विदागिया भैया जी आज आज हमनी के अब दे दा विदागिया भैया जी अब आज हमनी के आज ले कर जइबो आब भैया मुहबिया के जिरात आज हम जब जइबो भैया मुहबिया के जिरात आज दे दबिदगी आज आब हमनी के भैया जी ठीक है अब तो समझ हो गई हमनी अब हम लोग की विदागी दीजिए अपना बहू के लेकर बेटा इंदल के लेकर और
हवा होते राजगीर में जाऊंगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। विदागी लेकर आप लोग को तो मोहबा से निकासी कर दिया गया है, लेकिन विदागी लेकर सबसे पहले मोहबा जाकर देवी देवता में गोल लगाकर सीधे आप कन्वर रिजगिरी जाइएगा तो ठीक है। मैं आपको खुशी पूर्वक मैं अपनी बेटी पद्मिनी लेखा को विदा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अब विदागी दीजिए हम लोग की। बेटी पद्मिनी रेखा, आज बेटी तुम अपने ससुराल को जा रही है। तुम अपने ससुराल में अपने पति को आज्ञा को पालन करना, अपने सास ससुर को सेवा करना। अब मेरे जो ताज है सिंगल दीप का, श्री नाग सिंह का, वो पगड़ी को लाज रखना बेटी, अपने पति को हर आज्ञा को पालन करना। ठीक है पिताजी। आजी बाबू आज दिन से छोड़िए देला जी बाबू, आज दिन से सगिया टोर के अकेला तो बा। अरे तू का लगी रोता, तोरा बिना कैसे रव जी बाबू, आज दिन से बसिया भतवा अभी गा जाए तो बाबू। आजी बाबू अब के तोरा तेलावा लगाई तो जी बाबू। अरे तू का लगी रोता है रे, तू मर हाँ हमरा तो गोसे बारा हो, कितना परेशानी कैल को हमानी के मालिक। आगे माउसी आ छोड़े दे लगे माउसी। अरे बबुआ तू अपन माउसी के ले ले चला इंदल। आगे चाची आ छोड़े दे, आगे मैया आ छोड़े दे लगे मामी, आगे नानी तोरा बिना कैसे रहोगे नानी। अरे नातनी चुप लगे नातनी चुप। ए जी आज लड़किया के फुआ के हकीन कने गलखिन जी, आई लड़कावा के फुफा भी आवलखिन, दोनों के मिला दहू लड़कावा के फुफा हकीन। बुढ़वा से हम फुफा बनी आखिन तक खुची है तो क्या हम आदमी नहीं है, जानवर के बच्चा है। आए बोलो टूटा, चलो ना चल करके देखो राज सिरसा में राज महोबा में तेरा जैसा जैसा लौंडी है। चलिए यहाँ से नाटक समाप्त होता है, आइए मुन्ना भी आइए। चलिए एक किताब से आल्हा खान में से आल्हा रुदल में से इंदल का तीसरा विवाह सिंगल दीप का लड़ाई उर्फ रेखा मोहब्बत, कोई रेखा भी कहते हैं कोई लेखा भी कहते हैं लेकिन किताब में लेखा है, ये कहानी आप लोग देखे और हमारे सभी टीम कलाकार कड़ी मेहनत करके दिखाया भी। और चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का गांव में हुआ, तो कल से तो मैं डाल दूंगा या आज ही डाल दूंगा, तो आप लोग घर बैठे भी देखेगा पूरा वर्ल्ड भी देखेगा। तो चलिए एक जो भी हमारे टीम कलाकार से ऊंच नीच हुआ होगा या गलती हो गया होगा, तो छोटे छोटे कलाकार हैं अपना है जी कि घर का आंगन का बच्चा समान कर क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग कहानी देखे होंगे, नाच देखने वाला तो बहुत लोग रहते हैं, कहानी देखने वाला उतने ही समझदार रहते हैं जो रात भर देखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि जो इंदल था लड़का था बच्चा था या तो दो शादी हो गया था, उसको माता पिता ने कितना रोक दिए, नहीं जाने के लिए कैद में डाल दिए, फिर भी लड़का चल गया, लड़का चल गया तो फिर भी वहाँ लड़की रख ली, फिर भी वहाँ कैद हो गया, फिर भी आज के छोड़कर कितना परेशान किया फिर भी हुआ। आजकल के भी ये जमाना है, हर घर के बच्चा नटखट होते हैं, गलती कर ही बैठते हैं, फिर भी माता पिता को समझना बूझना भारी पड़ जाता है, करना तो कर क्या सकते हैं, सब तो ब्रह्मा का मति का मारा हुआ है। इसीलिए आज से ही ये जागरूक सुधार करते हैं कि आप लोग अपने अपने बच्चे को, आप लोग नहीं पूरा जितना भी हमारे व्यूअर हैं यूट्यूब के फैमिली है सभी को मैं कहता हूं अपने अपने बच्चों को शिक्षा दें, जागरूक करें और अपने नजर में रखें, ताकि आप लोग भी ये शिकार ना बने कि बच्चों के पीछे भागना पड़े परेशानी उठाना पड़े, है ना। तो चलिए हमारे कहानी का कलाकार का यहीं पे समाप्त हुआ, रेखा मोहब्बत सिंगल दीप की लड़ाई।
ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय।